नमस्कार, मैं हूं जयश्री। कैसे हैं आप? मैं स्टोरी टेलर हूं। जहां जाती हूं कहानियों का झोला साथ लेकर जाती हूं। इस झोले में कविताएं भी हैं, किस्से भी हैं और बहुत सारी आवाज़ें भी हैं। आवाज़ें मेरी, पिंकू की, बिट्टू की, ललिता की, आपकी और जीव जंतुओं की। पिछले अंक में कहानी सुनी थी मिठाई, याद है आपको? याद कराऊं? एक गधा था जिसका मीठा खाने का मन किया, जी किया, मिठाई याद आई आपको? चलिए एक जल्दी से मैं आपको कहानी याद करा देती हूँ। तो गधा था, गधे का मीठा खाने का दिल किया। वो अपने दोस्तों के पास गया और उसने दोस्तों के पास जाकर कहा कि तुम कुछ मुझे मीठा दे दो। उसने मीठा खाने को मांगा। भालू आया, भालू ने कहा शहद खा लो, गधे ने मना कर दिया। खरगोश आया, खरगोश ने कहा गाजर खा लो, गधे ने मना कर दिया। चींटी आई, चींटी ने कहा गुड़ खा लो, पर गधे ने मना कर दिया। उसके बाद हाथी आया, हाथी ने कहा गन्ना खा लो, पर गधे ने क्या किया, गधे ने मना कर दिया। उसके बाद गिलहरी आई लेकर पीला पीला बड़ा सा आम, उसने कहा आम खा लो, पर गधे ने मना कर दिया। आखिर में आई बिल्ली इतराती हुई और बोली हलवाई की दुकान पर चलो। उसके बाद क्या हुआ, गधे को ये बात पसंद आ गई और सब मिठाई खाने चल पड़े। तो ये कहानी हमने एक बार दोबारा से सुन ली। तो कहानी से जुड़े कुछ सवाल आपके लिए। किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। आप चित्र देख रहे हैं, एक तरफ कुछ जानवर हैं तो दूसरी तरफ कुछ खाने की चीजें हैं। सबसे पहले बताइए कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है? वही, मुझे तो भालू दिखाई दे रहा है। भालू के नीचे खरगोश, खरगोश के नीचे हाथी, हाथी के नीचे कौन है, गिलहरी। हाँ, अब आपको उनके सामने कुछ फल, कुछ खाने की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले बताइए भालू को क्या पसंद है, आम, गन्ना, शहद या गाजर? सोचिए, कहानी को याद कीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, भालू को शहद पसंद है। तो रेखा खींचिए और शहद को भालू के साथ मिला दीजिए। फिर हमें दिखाई दे रहा है खरगोश। खरगोश को क्या पसंद है, शहद? तो शहद तो चलिए हो गया, अब हमारे पास तीन फल बचे हुए हैं, आम, गन्ना और एक सब्जी गाजर। तो बताइए क्या पसंद है, आम, गन्ना या हाँ गाजर? तो पेंसिल लीजिए और एक रेखा खींच दीजिए, खरगोश और गाजर को मिला दीजिए। फिर उसके बाद आया बड़ा सा राजा जैसा हाथी। अब हाथी के आकार को देखकर मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे, आम या गन्ना? क्या बिल्कुल सही, बड़ी सी सूंड में बड़ा सा गन्ना लपेटा था हाथी ने और दिया था गधे को खाने को, पर गधे ने मना कर दिया था। तो गन्ने और हाथी के बीच में एक रेखा खींच दीजिए। अब आई आखिर में हमारी गिलहरी। जो बचा है वो गिलहरी ने तो कहा था, यानी कि आम। तो अब आम और गिलहरी के बीच में रेखा खींच दीजिए। थी ना ये मजेदार गतिविधि? तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली गतिविधि की तरफ। इसमें आपको सही या गलत वाक्यों के सामने चिन्ह लगाना है। मैं वाक्य पढ़ती हूँ, आप बताइए कि वो सही है या गलत है, यानी कि वो घटना कहानी में हुई है कि नहीं हुई है, वो जानवर, वो खाने की चीज़,
वो सब शब्द आपने कहानी में सुने या कहानी के हिसाब से हैं या नहीं हैं। गधे ने बिल्ली की बात मान ली। सोचो, याद करो कहानी को, क्या गधे ने असली में बिल्ली की बात मानी थी? पहले सोचो, याद करो कि बिल्ली ने क्या कहा था, क्या बिल्ली का सुझाव था? बताओ बताओ बताओ। हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई। हाँ, गधे ने बिल्ली की बात मान ली थी। बिल्ली ने कहा था कि हम हलवाई की दुकान पर चलते हैं। दूसरा वाक्य, खरगोश ने आम खाने को कहा। बताओ क्या ये वाक्य सही है या गलत है? क्या खरगोश ने आम खाने को दिया था या कुछ और खाने को कहा था? खरगोश ने तो गाजर खाने को दी थी, तो ये वाक्य तो गलत हुआ। हाथी ने कुछ नहीं कहा, क्या ये बात सही है? कहानी में जब गधे ने सबसे कुछ कुछ खाने को मांगा था, मुझे तो याद है कि सबने कुछ कुछ जरूर कहा था, जरूर मदद की थी और कुछ खाने को दिया था। याद करो भाई, हाथी ने गन्ना दिया था कि नहीं दिया था? तो उस हिसाब से ये तीसरा वाक्य गलत ठहरा। अब आते हैं आखिरी वाक्य पर। सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। क्या आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं जब दोस्तों के पास जाते हो? अब सभी जानवर गधे के दोस्त थे, और जब दोस्तों से आप कुछ मांगते हो तो अच्छे दोस्त मना नहीं करते, कोशिश जरूर करते हैं। और इस कहानी में भी आपने शायद ऐसा ही सुना होगा। तो बताओ, क्या सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया था कि नहीं? सारे जानवर मिले, मिलकर चले कहाँ? मिठाई खाने। हाँ, किया था, इसलिए ये चौथा वाक्य सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली गतिविधि की तरफ। आप स्क्रीन पर कुछ चित्र देख रहे हैं। तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, जिसमें से दो जीव हैं और एक चीज है। तो नीचे दी गई वस्तुओं को पहचान कर आपको नाम बताने हैं और पढ़ने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही तो दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कहानी थी, यानी कि गधा। और गधे शब्द में पहली आवाज कौन सी है? ग की। दूसरी आवाज है ध की। अब उसके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, जो कहानी का शीर्षक भी था, मिठाई। पहली आवाज माँ की। और फिर आपको दिखाई दे रहा है कौन, बड़ी सी सूंड वाला विशालकाय हाथी। तो गधा, मिठाई और हाथी। तो लिखने का प्रयास करो और अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को या फिर अपनी अध्यापिका को आप जरूर दिखाना ये। अब आते हैं हम इस काम पर। आपने कहानी बहुत अच्छे से सुनी है और हमने जितनी गतिविधियां की उनसे आपको और सहारा मिल गया, तो ये तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस कहानी में, यानी मिठाई कहानी में, कौन कौन से जानवर हैं? बहुत सारे जानवर आए थे। आपको किन्हीं तीन जानवरों के नाम याद करने हैं और लिखने हैं। और लिखने से पहले आपको ध्वनि याद करनी है, फिर आपको अक्षर पहचानने हैं और आपको लिखने का प्रयास करना है। और आपको ये काम अपने होमवर्क के तौर पर करना है। करिएगा और अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिएगा। आगे बढ़े, हम कहानी मिठाई की बात कर रहे हैं। तो मिठाई शब्द में अंतिम आवाज बताओ कौन सी है? अंतिम आवाज है ई। तो इस आवाज से बने कुछ शब्द देखें। खट्टी होती है, पर एक बार आप इसे खा लेते हैं तो उसका स्वाद बहुत देर तक मुंह में रहता है।
इमली, है ना मजेदार चीज। ये बताइए ये क्या है? मीठा मीठा इसका रस निकलता है और खाने वाले जिनके दांत मजबूत होते हैं इसे अच्छे से मजे से खाते भी हैं। क्या कहेंगे इसे? ईक। इसका एक नाम गन्ना भी है और आप गन्ने का रस पीते भी हैं। तो हमने दो ऐसी चीजें देखी जिनमें ई का स्वर आता है, इमली और ईक। एक मजेदार कविता भी तो है। ईक, ईक खेत में बोली अपने पास वाली ईक से, ईक खेत में बोली अपने पास वाली ईक से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से, ईक खेत में बोली अपने पास वाली ईक से। आपने देखा होगा कभी गन्ने का खेत, ईक का खेत देखा हो तो बड़े बड़े से गन्ने, बड़े बड़ी सी ईक होती है और सब एक दूसरे की तरफ झुकी रहती हैं। अब सोचो एक ईक दूसरी ईक से क्या बात करेगी। ईक खेत में बोली अपने पास वाली ईक से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। तो ये प्रभात जी की कविता, जो जब हमने इमली का जिक्र किया, ईक का जिक्र किया तो हमें लगा ये तो मजेदार है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जिनमें बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ई का स्वर या आवाज आती है। देखें, बकरी, इसमें ई की आवाज अंत में है, र के ऊपर आप बड़ी की मात्रा देख रहे हैं। हाथी, इसमें बताइए कहां आई बड़ी ई की आवाज, शब्द के अंत में हाथी, ये क्या है बताइए। घड़ी, इसमें ई की आवाज कहां आई, इसमें भी शब्द के अंत में घड़ी। अब अगर हम इस ई की आवाज को थोड़ा छोटा कर दें तो पहचाने, तो आइए देखते हैं। गुड़िया, गुड़िया, इसमें छोटी ई की आवाज बीच में आई है। आगे बढ़े, खिलौना, खिलौना, इसमें छोटी ई की आवाज पहले आई है। सितारा, अब बताइए कहां आई है इसमें छोटी की आवाज, बिल्कुल सही, पहले। तो इस तरीके से आप पहचानिए आपके आसपास चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, उनके नाम हैं, वाहन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके नामों को याद करने की कोशिश कीजिए और पहचानिए कि किस में ई का स्वर आ रहा है, बीच में, आखिर या पहले, और ये खेल खेलिए। मुझे तो बहुत मजा आया आप सबके साथ बात करके, जीव जगत में आपके साथ जाकर। तो फिर कभी मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते। Thank you.